का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार, रविदास खोजा दिल अपना तो मिलया दिलदार। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठे आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद के होना जाए। सत संतोख और सदाचार जीवन को आधार, रविदास पै नर देवते जिन त्यागे पंच विकार। दीन दुखी की सेव में लाग रहे रविदास, निस्वासर की सेवा सो प्रभु मिलन की आस। कांची टीवी देख रहे पूरे संसार दे देशों विदेशों में सारे ही दर्शकगण, सारे ही श्रोतागण, गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी नूं दास वालों यानी मनोहर दुग्गल वालों दोवें हाथ जोड़ के जय गुरुदेव जी। सो जिस तरह आप सब नूं पता है कि मई का महीना रविदासिया कौम वास्ते बहुत ही विरागमयी है। जिस तरह जो एक बहुत ही भयानक घटना रविदासिया कौम वास्ते हुई सी 24 मई 2009 वियाना, गुरु घर सतगुरु रविदास महाराज जी, जिथे कौम दे महान महान अमर शहीद संत रामानंद महाराज जी अपनी रविदासिया कौम वास्ते खून दा, अपने खून दा एक एक कतरा बहा के शहादत दा जाम पी गए। सो जो मई दा महीना है ये बहुत ही विरागमयी है। और गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस तरह आप नूं पता ही है कि कांची टीवी स्टूडियो दे विच जिथे कि अमृत बाणी दा प्रकाश है, 5 जून दिन एतवार नूं कौम दे महान शहीद अमर शहीद संत रामानंद महाराज जी का शहीदी समागम मनाया जा रहा है। और आप सब नूं असीं बेनती करते हैं कि उस दिन आके परम पिता जगत पितामा धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र चरणा का और उन्होंने पावन पवित्र अमृत बाणी का वो टासरा लैके उस महान संत उस रहबर के चरणा के शरदा के फुल अर्पण करिए। सो जो जड़ है वो तो सतगुरु रविदास महाराज जी है, जो 14वीं सदी दे विच इस धरती ते आगमन होया और जदों कि समाज की दुर्दशा बहुत ही खराब सी, लताड़िया गया सी, पछाड़िया गया सी। और जो समाज की मुख धारा है उस तो भी बाहर कढ़ के सिटिया होया सी। और ऐसे अवसर ते ऐसे उस युग दे विच जिथे वर्ण व्यवस्था का बोलबाला सी और वर्ण व्यवस्था नूं पूरी तरह थोपिया गया सी, 4 वर्ण बनाए गए, सब तो उच्चा फिर उस तो जो चौथा वर्ण सीगा वो साडा सी, जिस नूं गुलामी दी जंजीरां दे विच जकड़िया होया सी। ते बड़े बड़े इतिहासकार भी लिखते हैं, महापुरश भी लिखते हैं कि जदों इस तरह के जुल्म धरती ते बढ़ जाते हैं फिर धरती माता नूं भी वह भार जिहड़ा आ भारा लगता है, वह फिर पुकार करती है उस परम पिता परमात्मा कि किसी रहबर नूं भेज ताकि इस जुल्म नूं खत्म किया जा सके। और सतगुरु रविदास महाराज जी 14वीं सदी के विच जदों आए आ और 1433 की संमत माघ सूद 15 से दुखियों के कल्याण को प्रगटे श्री गुरु रविदास, उन्होंने आके धरती ते जो अपने अंदर जो ज्ञान प्राप्त किया है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है और जो पावन पवित्र अमृत बाणी उचारी है अपने मुखारबिंद चों, और वो सीधा और सीधा चैलेंज जिहड़ा है उस व्यवस्था नूं सी, क्योंकि उन्होंने अपनी बाणी दे विच हर पहलू का वर्णन किया है। जिन्हें भी जिंदगी दे पहलू हैं हर पहलू का वर्णन किया है और वर्णन भी इस तरह किया है कि
कोई भी मनुख जो इस धरती ते आउंदा है उसनू जीण वास्ते जिंदगी दे किहड़े किहड़े मोड़ ते उसने मुड़ना हुंदा, हर मोड़ ते सतगुरु रविदास महाराज की बाणी मार्गदर्शन करती है। ते उन्होंने आके जो इस वर्ण व्यवस्था दे विरुद्ध विच जो एक मिसाल जलाई, जो कि कह सकते असी समाजिक क्रांति का होका दिंदे हुए, उन्होंने बेगमपुरे का संकल्प लिया और इस तरह के प्रवचन, इस तरह की बाणी, इस तरह की विचारधारा, इस तरह के सिद्धांत कि जिथे राजे महाराजे भी उन्होंने तर्कों का कोई जवाब नहीं दे सकते सी और उन्होंने भी सतगुरु रविदास महाराज के चरणों के झुकना पिया। सतगुरु महाराज जी अपने प्रवचना राही, अपने विचारधारा राही, अपने सिद्धांतों राही दस दिया कि यह जी वर्ण व्यवस्था है या गुलामी है, ये गैर इंसानियत है, ये एक इंसानियत नहीं है, क्योंकि उस परम पिता परमात्मा ने सिर्फ और सिर्फ इंसानों नू बनाया है और इंसानों ने शक्तिवान हो के कमज़ोरों ते जुल्म किया है और जदों कमज़ोरों ते जुल्म किया जाता है तो जो कमज़ोर है होर कमज़ोर हो जाते हैं, गरीब होर गरीब हो जाते हैं, लेकिन जो शक्तिवान लोग होंगे वो होर भी शक्तिवान हो जाते हैं। सो इस वितकरे नू मटाउणा कोई ना कोई महापुरुष आके ही मिटा सकता है और उन्होंने आके जाति प्रथा नू, जात पात नू और जो ऊंच नीच सी उसनू अपने तर्क राहीं, अपनी बाणी राहीं कि जिथे कहा जाता सी कि ब्राह्मण चाहे जिन्ना मर्जी गुणहीन होवे उसनू पूजना ही है, पर सतगुरु महाराज जी अपने कर्मां दा सिद्धांत लैके आए कि जो जन्म है वो एक इंसान का जन्म तक चाहे वह गोरा या चाहे काला या चाहे कितने भी हैगा दुनिया के धरती ते आता है, उसका जन्म बराबर ही है सारे वागू, तो फिर ऊंच नीच या वितकरा कितों आ गया। तो इस करके उन्होंने कर्मा ते जोर दिता, कर्मा के सिद्धांतों लैके आए सतगुरु जी, कहिंदे कि अगर किसी नूं पहचानना है तो उसके कर्मा तो पहचानना है और कर्म भी किस तरह के होने चाहिए है, शुभ शुभ कर्म के करण से जो अच्छे कर्म है उस तो ही पहचाना जाना चाहिए। तो सतगुरु जी कहते हैं कि मैं ब्राह्मण को नहीं पूजूंगा अगर वो गुणहीन है, तो वो उस व्यवस्था से कड़ा प्रहार करते हुए दसते हैं रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जे होवे गुणहीन पूजे ही चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण, जात जात में जात है जों केलन में पात, रविदास मनुख न जुड़ सकें जो लो जात न जात। कि किस तरह जाति पाती जो है वर्ण व्यवस्था है ये अगर जिन्ना मर्जी असी गहराई दे विच जाइए लेकिन इस दे विच कुछ नहीं निकलता, आखिर ते इको ही सिद्धांत निकल के आता है कि इंसान सारे बराबर ही हैं और खून का रंग भी एको जिहा है, सारा कुछ एक, दो नैन दो कान दो हाथ सतगुरु महाराज जी अपनी बाणी च लिखते हैं। तो फिर रविदास पृथक कैसे पे, हिंदू मुसलमान, हिंदू और मुसलमान किदा अलग हो गए, जबकि सारा कुछ तो ठीक है, सारा एको ही व्यवस्था है, परमात्मा की रचना है। सो ये जो बाणी है सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी बाणी दे विच जदों प्रेमा भगती की गल करते हैं, परमात्मा दे नाल प्रीत होने की गल करते हैं, संसारिक प्राणियों को समझाते हैं कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल रंग जैसा, जौ पे हम ना पाप करंता अहि अनंता, पति ते पावन नाम कैसे हुंता। इस तरह के प्रवचन कि एक मनुखा जन्म मिलया है और ये जन्म सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इस जन्म दे विच चेतना है, पुन दा पता है, पाप दा पता है, अच्छे दा पता है, बुरे दा पता है, गलत की है ठीक की है इसका पता है। बाकी जिस तरह सतगुरु जी अपनी बाणी विच कहिंदे कि त्रिगद जोन अचेत संभव पुन पाप असोच, त्रिगद जोन जिहड़ियां बाकी जूना उहदे विच कोई सोच नहीं है, कोई भलाई का नहीं पता, कोई बुराई का नहीं पता, कोई अच्छाई का नहीं पता, और इस
मानस जन्म ही एक इस तरह का जन्म है जिथे चेतना है, अच्छा की है बुरा की है पता है। फिर इस करके इस जन्म के सतगुरु जी कहते हैं कि वो प्राणी जो धरती ते आके परमात्मा के नाम का सिमरन करता है, भाव अगर सिमरन सच्चे मन तो करता भी है, अगर उसके कर्म जिहड़े आ वह ठीक नहीं है, वो तो सिमरन कर रहा है लेकिन बाहर जाके दूसरों के नाल वाद विवाद करता है, लड़ाई झगड़ा करता है या किसी की निंदा करता है, तो सतगुरु जी कहते भी वो फिर वो जो नाम सिमरन है वो व्यर्थ चला गया। क्योंकि अगर सच्चे मन तो कोई भी प्राणी सिमरन करता है तो उसनों उसका जीवन अपने आप सुधरता है और उस सच के रस्ते चलता है, ईमानदारी के रस्ते चलता है और एक इस तरह का श्रेष्ठ मार्ग चुनता है जिथे कोई किसी के नाल दुश्मनी नहीं रह जाती, वाद विवाद नहीं रह जाता। पर सतगुरु जी कहते इन संसारिक जीवन ने तो आके परमात्मा तो दूर क्यों हो गए, क्योंकि विषय विकारा गले ना लगा लिया। और जो अस्थाई सुख हैं, अस्थाई सुख उसनों ही स्थाई सुख समझ लिया, भाव ये जो दुनिया है ये फानी है, इसने खत्म होना है। और जिस जीव ने जन्म लिया उसने एक दिन इस दुनिया तो जाना भी है। अपनी बाणी में दसते हैं कि उच्चे मंदिर साल रसोई एक करी फिर रहन ना हो, यो तन ऐसा जैसे कास की टाटी, जल गयो कास रल गयो माटी, भाई बंद कुटुंब सहेरा ओई भी लागे काडू सवेरा, कर किनार उड़े तन लागी ओ तो पूत पूत कर बागी, कह रविदास सबे जग लुटिया हम तो एक राम कह छुटिया। सो सतगुरु जी अपनी बाणी दे विच इस तरह के विख्यान करते हैं, साढ़े वर के मूर्ख प्राणियों नूं समझाते हैं। गुरु पेज साध संगत जी, ये बाणी का जो प्रवचन हैं इन्हों का प्रचार ते प्रसार महापुरशां दे कहे हुए ये प्रवचन हैं जो उन्होंने साढ़े वास्ते पूरने पाए हैं, उन्हों का प्रचार ते प्रसार होना बहुत जरूरी है। और संतां महापुरशां की जो महिमा है वो अपनी बाणी दे विच सतगुरु रविदास महाराज जी विख्यान करते हैं। संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव, संत ची संगत संत कथा रस, संत प्रेम माजे दीजे देवा देव। संत ची संगत संत आचरण संच मार्ग संच अलोग अलोगणी और एक मागो भगत चिंतामण, जनी लिखावो संत पापी सन, रविदास पणे जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नाहीं। अखीर दीआं पंक्तियां विच सतगुरां ने गल ही खत्म करके संत अनंत अंतर नाहीं कि संत जना विच और परमात्मा दे विच कोई भी फर्क नहीं है। और इस तरह सतगुरु कबीर महाराज जी भी कहते हैं, कहते हैं सेवा को दो ही भले एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त का संत जपावे नाम। भाव संत जन आम प्राणियों के विच एक कड़ी हैं जो कि परमात्मा के चरणों तक लेके जाते हैं। क्योंकि जो संत जन होंगे वो जो का उन्होंने होश संभालिया होंगे है वो परमात्मा का सिमरन ही करते हैं और हमेशा उन्हां दी रसना ते परमात्मा दा नाम रहिंदा है। और किसी ने सवाल पूछे कि परमात्मा कित्थे रहिंदा है और जवाब आया कि संत जन दी रसना ते रहिंदा है। और सतगुरु रविदास महाराज ने ते संत जनां दी इन्नी महिमा गई है कि उन्हां दे घर जदों अपनी बाणी विच दसदे हन कि जो घर आते हैं संत जन तो किस तरह आंगन बगड़ पवन पयो पावन, हर जन बैठे हर जस गावन, और करूं डटों चरण पखारूं तन मन तन संतन परवारूं। ये जो प्रवचन हैं सतगुरु जी कहते जिस कुल दे विच संत जन जन्म लेंदे हैं वह कुल भी तर जाते हैं, वह थां वह पिंड भी पवित्र हो जाता है। जिह कुल साध वैष्णो होए, वर्ण अबर्ण रंग नहीं इसर, बिमल बास जानिए जग सोए, ब्राह्मण बैस सूद और खत्री टोम चंडार मलेश मन सोई, होई पनीत भगवान भजन ते आप तार तारे कुल दोई, तनसु गाओ तनसु ठाओ तन पनीत कटम सबलोई, जिनी पिया सार रस
तजे आन रस सोई रस होई रस मगन डारे बिक कोई। पंडित सूर छत्रपत राजा भगत बराबर और न कोई। सतगुरु जी अपनी बाणी दे विच व्याख्यान करते हैं कि चाहे जिन्ना मर्जी कोई पंडित विद्वान होवे, चाहे कोई किन्ना भी शूरवीर होवे, पर परमात्मा दे नाम दा जो सिमरन करन वाला परमात्मा दा भगत है उस दे बराबर कदी भी नहीं हो सकदा। जैसे प्रेम पात रहे जल समीप पन रविदास जन्म जगोए। और संत जन जिहड़े जिस तरह प्रेम दी बूटी है पानी दे विच ही रह के पानी तो अलग रहिंदी है, निर्लेप रहिंदी है, इस तरह संत जन इस दुनिया दे विच आउंदे हन, इस जगत दे विच आउंदे हन और लगदे वी साडे वर्गे ही हन, पर दुनिया तो बाकी जीवां तो निर्लेप रहिंदे हन। और जिहड़े महान संत हुंदे हन जो कि बाणी नूं पढ़दे हन, प्रवचनां नूं अपने मन च वसाउंदे हन, हिरदे विच वसाउंदे हन, फिर उस ते चलदे भी हन, बहुत घट संत हुंदे आ। और कौम दे महान महान अमर शहीद संत रामानंद महाराज जी, परम पिता सतगुरु रविदास महाराज बाणी नूं पढ़िया, समझिया, अपने हिरदे विच वसाया, प्रचार ते प्रसार पूरी दुनिया दे विच कीता। कोई इस तरह का कंट्री नहीं जिते नहीं गए, चाहे आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड क्यों ना होवे, कैनेडा अमेरिका क्यों ना होवे, इंग्लैंड क्यों ना होवे, यूरोप के जिन्ने कंट्री है, चाहे ऑस्ट्रिया क्यों ना होवे, जर्मनी क्यों ना होवे, इटली क्यों ना होवे, पुर्तगाल स्पेन क्यों ना होवे, हर जगह गए, हर जगह जाके परम पिता सतगुरु रविदास महाराज जी की बाणी का प्रचार ते प्रसार किया और कौम नूं समाज नूं जगाया कि मेरी कौम जो लोगो उठो, साढ़े परम पिता सतगुरु रविदास महाराज जी आह प्रवचन कर रहे हैं। की कह रहे हैं सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी बाणी दे विच कह रहे हैं, रविदास सोई साधु पलो जो साहिब हाथ बिकाए। कि वो साधु भला है जो अपने आप नूं अपने परमात्मा दे ते निशावर हो जाता है। रविदास सो साधु पलो जो साहिब हाथ बिकाए, साहिब भेंट चढ़ाण कहो अपना शीस कटाए। इस प्रवचन नूं सच कीता संतां ने, उन्होंने इस जो बाणी पढ़ी उसनों समझिया और उस ते खरे उतरिया। इस प्रवचन नूं रविदास सो सूरा पड़ा जो लड़े धर्म के हेत, अंग अंग कट पुई गिरे तऊ ना छाड़े खेत। चाहे उन्होंने किन्नियां भी गोलियां लगियां, एक एक कतरा उन्होंने खून का डुलिया और उन्होंने बाणी नूं सच करके दस दिता कि असी की करते हैं, असी बाणी नूं पढ़ते हैं, जरूर पढ़ते हैं, समझते भी हैं, लेकिन असी उस ते पहरा नहीं देंदे, असी उस ते अपने जीवन नूं टालते नहीं। और वो महान संत हुंदे आ जो अपना जीवन नूं उन्हां प्रवचना ते टाल लेंदे आ और सच करके दिखाउंदे हन। धर्म हित संग्राम में सतगुरु रविदास महाराज जी कह रहे अपने दोहयां दे विच, धर्म हित संग्राम में जो कटाए काटे सीस, सो जीवन सफला प्यार रविदास मिले जगदीश। कि इस तरह का जीवन जो अपने धर्म वास्ते, अपने समाज वास्ते अपना सीस कटा लेंदा है और फिर वह सीधा परम पिता परमात्मा के चरणों के विच अपना कर्तव्य करके परमात्मा के विच एकमिक हो जाता है। सो बाणी का प्रचार ते प्रसार और नाल जो उन्होंने बाणी नूं पढ़ के और उस ते अपने जीवन नूं ढालिया, वो एक बहुत बड़ी उदाहरण है साडे वास्ते। सो कीर्तन दे धनी सी, वो जदों कीर्तन करदे सी ते संगतां बिल्कुल शांत हो के उन्होंने कीर्तन नूं सुणदियां सी। कीर्तन दे धनी सेवा दे पुंज सी कि वह सेवावां करदे सी। इस तरह नहीं सी कि सेवादारां नूं ला लिया और आप देख रहे हो, आप भी टोकरियां चक के मिट्टी दियां हो करदे सी। इन्नी सेवा भावना, सेवा दे पुंज और उन्होंने चेहरे ते जिहड़ा नूर रहिंदा सी, उह सतगुरु रविदास महाराज का एक आशीर्वाद सी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने वो लाल प्यारे सी। जिथे जिथे सतगुरु रविदास महाराज की गल होगी उन्होंने चरणों के संत रामानंद जी बैठे नज़र आएंगे, क्योंकि उन्होंने जो अपने जीवन
परम पिता सतगुरु रविदास महाराज दे पूरे ते पूरे अपने आप नूं ढाल लिया सी और अपने जीवन नूं बिल्कुल बाणी ते आधारित बना लिया सी। सो जिस तरह वह कीर्तन करते सी, आओ एक उन्हां दा एक बहुत अच्छा शब्द है संत रामानंद जी दे आप वो गा रहे हैं, आओ पहले आप वो शब्द जिहड़ा सरवण करिए, देखो किन्ना पाओ पिनी जो कीर्तन रसना तो करते सी जी। Yeah.
विसारो मैं जन तेरा, मोहे ना विसारो मैं जन तेरा। मेरी संगत पोट सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन को बाती। राम गुसैया जी के जीवना, मोहे ना विसारो मैं जन तेरा। मेरी हरूप पित जन करो सुपाई, चरण न छाडू शरीर कल जाए,
कहो रविदास परो तेरी साहबा बेग मिलो जन करना बिलंबा। ये जो शब्द 108 संत रामानंद महाराज जी उच्चारण कर रहे सी, और जो भी वह कीर्तन करते सी संतां बिल्कुल शांत होकर सुन दिया सन, और उन्होंने उन्होंने उपराले और उन्होंने जो कार्य उन्होंने पुरुषार्थ हुआ, चाहे वो कांची बनारस जन्म स्थान सतगुरु रविदास महाराज जी का जो मंदिर है उसनू उसारण वास्ते, सुंदरीकरण करने वास्ते, या डेरा सचखंड बल्ला, और वो हमेशा 24 आवर्स कौम दे बारे सोचते सी, समाज के बारे सोचते सी, सतगुरु रविदास महाराज की बाणी का अध्ययन करते सी, और उसनू ही उन्होंने प्रवचनों में लैके जो हर रोज़ गली गली कूचा कूचा पिंड पिंड शहर शहर देश विदेशों तक वो उन्होंने प्रवचनों लैके जाते सी और समाज में जगाते सी, और एक इंजन बन के पिछे पूरी ट्रेन जो समाज जिस लैके चल रहे सी कि अमानवीय जो लोग सन उन्होंने यह सहन नहीं होया, और 24 मई 2009 उन्होंने गुरु घर जिथे कि गुरु ग्रंथ साहब जी का ही प्रकाश सी, और इन्ना भी डर नहीं लग्या कि गुरु ग्रंथ साहब का जो प्रकाश है वो सब तो बड़ी ताकत है, उसका भी डर नहीं किया, और गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रकाश के विच ही गोलियां चला के संतान जन संत जनों को शहीद कर दिता। और वो उस वेले भी जो शब्द सतगुरु रविदास महाराज की बाणी दे ही गा रहे सन, सो उन्हां दे नाल जो जो ये घटना दे नाल जिहड़ा माहौल पंजाब दे विच साढ़े चार शहीद होर जिहड़े नाल इस घटनाक्रम दे विच कौम दे वास्ते जिन्हां ने जानां वार दित्तियां, उन्हां दा भी सत्कार, उन्हां दा भी माण, उन्हां दी शहादत नूं असीं सलाम करदे हां। जिन्हां दे विचों सब तो सीनियर जिहड़े सी श्रीमान शहीद तेलू राम जी, उस तो बाद शहीद बलकार जी, और उस तो बाद शहीद रजिंदर कुमार जी, और चौथे जो कि एक 18-19 साल जी उम्र पिंड ढिलमा जो कि साडा पिंड है उस दे रहण वाले विजय दुग्गल, माता पिता दीआं अखां दा तारा सी, तीन भैणां दा इक्को ही राज दुलारा सी, चढ़दी उम्र विजय दुग्गल सी नाम उसका, जिसका सोहना मुखड़ा चंद तो भी न्यारा सी। उस बच्चे ने हले जवानी विच ही पैर रखे सी कि उसने कौम वास्ते अपनी जान दे दी, और जो वो शहादत है उसनू असीं कोट कोट प्रणाम करते हैं, और संत महापुरशां ते जो उन्होंने उन्हां दा जीवन ही गुरबाणी ते बनिया सी, अपने समाज वास्ते बनिया सी, लेकिन जदों बाकी जो साढ़े चार शहीद जिन्हां ने सांझ पाई आ शहादत दे विच उन्हां दा भी असीं उन्ना ही सत्कार करते हैं। और संत जन तां सतगुर कबीर जी एक जगह लिखते हैं कि जिस तरह पारस है, पारस लोहे नूं छू के सोना बना दिंदा है, इसी तरह संत जन आम प्राणी नूं छू के संत ही बना दिंदे हैं, पर अंतर की है? कबीर साहब कहते हैं कि पारस लोहे नूं छू के सिर्फ सोना ही बना सकता है, पारस नहीं बना सकता, पर संत जन तो उस तो भी महान हैं कि वह छू के संत जन ही बना देंदे हैं। इस करके सतगुर कबीर महाराज जी कहते साध मिले सिद्ध पाइए कि ये जोग के भोग, दो ही मिले कारज उपजे ना राम नाम संजोग, लोक जाने ये गीत है ये तो ब्रह्म विचार, जो काशी उपदेश होए मान स्मृति बार, कोई नाचे कोई गावे हर नाम चितलाए, कहत कबीर संसा नहीं अंत परमगत पाई। किस तरह परमगत मिलती है? संत जनां दे प्रवचन सुन के। सतगुर महाराज जी अपनी बाणी विच कहिंदे कि भाव ही नहीं जग सकते संतां दे प्रवचन सुनने तो बिना,
साध संगत बिना भाव नहीं उपजे, भाव बिना भगती नहीं हुई तेरी। कह रविदास एक बेनती हर सी पैज राखो राजा राम मेरी। सो ये जो प्रवचन हैं जो संत रामानंद महाराज जी जो बाणी नू जन जन तक पहुँचा रहे सके और इंग्लैंड की धरती ते बहुत बार आए हैं, जबकि साडा सिर्फ सपाग उन्हां नू असीं व्याना दे विच ही दो या तीन बार मिले हैं। और जदों ये मंदभागी घटना वापरी है और असीं साडियां अखां दे सामने ये एक इतिहास बन गया है, और इतिहास ये इतिहास उदों तक रहना है जिस तक ये दुनिया है। चंद सूरज तारे जिन्ना चक्कर हैं उन्ना चक्कर इतिहास रहना है, और उन्हां दा नाम इस तरह ही चमकते रहना है। क्योंकि असी जो किसी चीज़ नूं रोकने की कोशिश करते हैं जिहड़ी कि अच्छी चीज़ हो रही है, असी अपने मन दे विच पाप लैके अगर उसनूं रोकने की कोशिश करते हैं तो वह बल्कि ज़्यादा फैलती है। इस करके उन्हां दी जो इस पावन पावन महान शहादत हुई और उस तो बाद कि रविदास धर्म मिलिया और अमृतमाणी सतगुरु रविदास जी जो कि सानू प्राप्त हुई साढ़े हिरदिया विच साढ़े हत्थां दे विच साढ़े। और कई लोग कहिंदे सुने कि ये बाणी जो है इस दे विच कई नाम लिखे हुए हैं, पता नहीं किस किस का नाम लिखा है। गुरु पेरी साध संगत जी किसी का नाम नहीं लिखा है, सिर्फ सतगुरु रविदास महाराज जी का नाम है, उन्हों का जन्म स्थान है और बाणी शुरू हो जाती सारी ही बाणी निरोल बाणी जो है सतगुरु रविदास महाराज जी की ही है। और जो बाणी तो बाणी ही होंदी है, और चाहे कोई भी प्रवचन होवे, चाहे वो ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न ये श्लोक होवे, या हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस ते नरदोज के जाएंगे सत पाखे रविदास ये श्लोक होवे, या कोई भी शब्द रविदास रात न सोइए दिवस न करिए स्वाद एहन सरजी सिमरिए छाड़ सकल प्रतवाद, चाहे कोई भी होवे वो सम्मान और वो जो एक रिस्पैक्ट है वो हर प्रवचन दी है, क्योंकि सच्चाई है, अटल सच्चाई है, बाणी है, तुर की बाणी है, सच्ची सुची पावन पवित्र बाणी है। इस करके जिदा इस इंग्लैंड की धरती से बहुत वारी आए, और एक बारी उन्होंने साढ़े चेयरमैन साहब बंगा साहब के नाल भी या बाकी ट्रस्टियों के नाल भी गलबात की, और उन्होंने कहा कि साडा एक मीडिया होना चाहिए है। और अज ये मीडिया जोड़ा है कंची टीवी मीडिया आप जी का सब का है, पूरे समाज का है, कौम का है, बल्कि इतने कोई धर्म की गल नहीं, किसी कोई वितकरा नहीं, कोई भी अपनी गल कर जिस तरह आप देख ही सकते हो कि होर धर्मों के भी प्रचार अपने इस टैलीविजन इस अदारे ते आ के कर सकते हैं। इस करके ये सपना जोड़ा सी ये कौम के अमर श्री संत रामानंद महाराज जी का सी, सपना उन्हों का पूरा होया। और मीडिया जो है एक बहुत बड़ा अदारा होंदा, एक ताकत है कि असी अपने इस मीडिया के जरिए असी अपने महापुरशों दियां जो प्रवचन हैं उन्हां दी जो गथावां हैं जो उन्होंने प्रसारित किए हुए हैं असी पूरी दुनिया के एक सैकंड के ही दस सकते हैं। अगर साड़ी कौम दे नाल समाज दे नाल या किसी दे नाल भी वधीकी हुंदी है, कोई जुल्म हुंदा है, अज असी अपने मीडिया ते उस गलबात नूं रख सकते हैं और असी दस सकते हैं कि आ साड़ी कौम ते इस वेले तशद्दुद हो रहा है, या कोई अगर अच्छा काम हो रहा है अरे उसनूं भी असी दर्शा सकते हैं कि अज साड़ी कौम नवीं नवीं पलांगा पट के नवें नवें मुकाम हासिल कर रही है। अगर गुरबाणी की गल आती है तो असी महाराज जी की बाणी सतगुरु रविदास महाराज की अमृत बाणी की भी असी अपने प्रवचन कर सकते हैं और जन जन तक फैला सकते हैं, जो संत रामानंद महाराज जी का सपना सी। क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी जो धरती ते आए उन्होंने जो प्रवचन सी धन धन सतगुरु ग्रंथ साहब जी के बाणी दर्ज है, 40 शब्द एक श्लोक, और पूरी दुनिया नमस्कार करती है। और जिस तरह दसवीं पातशाही ने कहा सीगा कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ है, सो वो महाराज सतगुरु ग्रंथ साहब जो हैं उन्होंने जिन्हें भी महापुरुष हैं
उन्होंने भी जो सिर चुकता है तो वह गुरु ही हैं सारे, पर किते ना किते समाज में लताड़िया गया कि इस तरह का कोई मुकाम ही नहीं आया कि बाणी को पढ़िया जा सके, समझा जा सके। फिर संत जानी ही आते हैं, प्रवचन करते हैं और बाणी को पढ़ते हैं, बाणी को पढ़ के समझते हैं, फिर साढ़े वर्गे मूर्ख प्राणियों भी समझाते हैं। जिस तरह सतगुरु रविदास महाराज संत जन महिमा जी दसते हैं, आज दिवस लेहूँ बलिहारा, मेरे ग्रह आया राजा राम का प्यारा। राजा राम सतगुरु रविदास महाराज अपनी बाणी के बहुत जगह उच्चारण किया है, राजा राम की सेवना किन्नी कह रविदास चमारा, या राजा राम तुम शरणागत राजा रामचंद कह रविदास चमारा, या इस क्या है कि मेरे ग्रह आया राजा राम का प्यारा। राजा राम उस परम पिता परमात्मा नूं कहा गया है, क्योंकि उन्होंने दस्या है कि मेरा राम कौन है। राम 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 परमात्मा का नाम है। सो आज दिवस लेहूँ बलिहारा, मेरे ग्रह आया राजा राम का प्यारा। आंगन बगड़ पवन पयो पावन, हर जन बैठे हर जस गावन। कथा करें और अर्थ विचारें, आप तरें और रन को उतारें। कह रविदास मिले निज दास, जन्म जन्म के काटे पास। सो सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी बाणी विच जो संत जनों की जो महिमा करते हैं, और उन्हें ही महिमा जो संत जन आते हैं वो अगे फैलाते हैं उन्होंने प्रवचनों को, चाहे वह जे जिस तरह सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि कूप भरियो जैसे दादरा कछु देश विदेश न मूझ, ऐसे मेरा मन बिख्या बिमोहया कछु आरा पार न सूझ। सगल पवन के नायका एक छिन दर्श दिखाई, पवन पयो मत माधवा मेरी तेरी गत लखी न जाए। करो कृपा परम चुके मैं सुमत दे समझाई, जोगी सर पावे ने तौगुण कथन अपार, प्रेम भक्त के कारने कहो रविदास चमार। सो इन्ह प्रवचनों चाहे जिस तरह सतगुरु रविदास महाराज जो एक राग गौड़ी दे विच शब्द उचारिया है, बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंदो नहीं देठाओ, ना तस्वीस खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल। अब मुहे खूब बतन गए पाई, ऊहा खैर सदा मेरे पाई। कायम दायम सदा पातशाही, दोम नसीम एक सो आई। आबा दान सदा मशहूर, ऊहा गनी बसीम अमोर। त्यों त्यों सैल करे जो पावे, महरम महल न को अटकावे। कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सुमीत हमारा। ये शब्द एक महज शब्द नहीं है, ये बल्कि एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है जिथे एक समाजवाद छुपया होया है, जिस दे विच एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, जिथे हकों की गल है, जिथे हैलो आओ एक कॉल है, ये देखिए कौन जुड़े। हैलो जय गुरुदेव जी। हैलो जय गुरुदेव जी। हाँ जी जय गुरुदेव जी। कौन बोल रहे हैं? हाँ जी मैं मनोज दुग्गल बोल रहा हूँ जी, तुसी ऑन एयर हो। हाँ जी मनोज जी, जय गुरुदेव। धन गुरुदेव जी। हाँ जी मैं माफी चाहता हूँ कि तुसी जिहड़ा प्रोग्राम कर रहे हो बड़ा अच्छा कर रहे हो। हाँ जी हरवंश जी, तुसी पिछे टेलीविजन स्लो कर लो फिर। हाँ जी थैंक यू। शुरू शुरू विच तुसी एक गल कही सी अपने वर्ण व्यवस्था के बारे। हाँ जी। के जिहड़े पावरफुल लोग आ, जिहड़े गरीब लोग आ, कमजोर लोग आ, उन्हां नूं लताड़ रहे आ, जो उन्हां दी मतलब बस नहीं चलन दिंदे। और होर भी तुसी गुरबाणी दे कई श्लोकां दे जिदां हुणे हुणे तुसी सबको मिले अन्न बेगमपुरा होर इदां दे मतलब तुसी दृष्टांत दित्ते अपने प्रवचन दे विच, मैं मेरे दिमाग च कन्फ्यूजन है। हाँ जी। कि जे गुरु रविदास जी ने उस समय ते राजा नू चेले बना लिया और 600 साल गुजर गए, फिर की वजह है कि असि हले भी कमजोर हैं, और की करिए कि साडे चो ताकत आ जाए जिहड़ी तुसी कहिंदे कि कुछ जे ताकत होगी तां तुसी तुहाडा इज्जत मान करनगे।
जे तुसी पावरफुल नहीं है जां तुहाडे ताकत नहीं है चाहे विद्यक है चाहे पैसे दी है चाहे किसी भी चीज़ की ब्यूरोक्रेसी दी है या राज दी है जां किसी भी चीज़ दी है कारोबार दी है पर हज तक ये हो नहीं सकया की वजह क्यों नहीं हो सकया तो असीं की उपराले कर सकदे कि ये चीज़ हो जाए ये तो थोड़ा जा विचार प्रकट करो था। हाँ जी धन्यवाद थैंक यू जी साढ़े हरबंस लाल जी हमेशा ही एक बहुत ही अच्छे प्रोग्रेसिव एजुकेशन या किस तरह असी अपलिफ्ट अपनी कौम समाज में कर सकते हैं या असी किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए है या इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट साडे समाज की किस तरह होनी चाहिए है क्योंकि यह एक दर्द होंदा है अपने अंदर कौम का जिस तरह असी देखते हैं कि सतगुरु महाराज जी तो बाद 600 साल सानू इस तरह के मुकाम नहीं मिले कि असी पढ़ सकीए और असी उस बाणी नू समझ सकीए इदां दे कोई हालात नहीं बने लेकिन एक महापुरश आए बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने सानू पढ़ाई का हक लैके दिता और उस विच उन्होंने ये भी एक दसिया कि जो शेड्यूल कास्ट जो कंस्टीट्यूशन दे विच कि जिन्ना चिकर ये लोग जिन्होंने हज़ारां सालों तो समाज की मुखधारा तो बाहर रखा होया सीगा हाशिए तो भी बाहर सटिया होया सीगा जिन्ना चिकर वो थोड़े इस लेवल ते नहीं आ जाते उन्ना चिकर इन्हां नूं सहूलतां मिलनियां चाहिए जिन्हों से आपां कहिंदे रिजर्वेशन और असी 1947 तो बाद अगर जा जो 26 जनवरी 1950 तो भी असी अगर देखिए तो अगर क्योंकि साडे कोल बेस है साडे कोल सहूलत रिजर्वेशन है लेकिन असी ये नहीं कह सकते कि असी उसका फायदा नहीं उठाया बहुत फायदा अज साडे सैकड़िया की गिणती IAS ऑफिसर रिटायर हुए हैं जिड़े कि उस जमाने के पढ़े और उन्होंने रिजर्वेशन का सहारा लैके अपने सहूलतों और पूरी ईमानदारी उन्होंने अपने मुकाम पर पहुंचे चाहे कोई IPS बने हैं और चाहे बड़िया बड़िया पोस्टा साइंटिस्ट भी बने हैं और बहुत सारे मुकाम जोड़े हासिल किए हूँ इतने प्रॉब्लम यह आती है कि अगर तो असी उन्होंने ओपरचुनिटीज़ को गेन करते हैं तो असी सक्सैसफुल हो जाते हैं जो असी उस ओपरचुनिटी नहीं गेन करते ओपरचुनिटीज़ है सहूलत है पर असी अनफॉर्चुनेटली बुरी संगत पिंड कह लीए या कुछ तरह एक कॉल हो रही देखिए हैलो जय गुरुदेव जी आदत छड दियो कोई करेगा कुछ थोड़े लई मना विचों भुलेखे कढ दियो तुसी अणखां अते सिगारशां दे दुनिया विच चंदे गढ़ दियो जिहड़ा जातिवाद फैलाउंदा है वह रुख जड़ां तों वढ दिओ साढ़े रहिवर आए चले गए मैं भी बहुता चिर रहना नहीं सहजल जो अज मैं आख रहा मेरे तो बाद किसी ने कहना नहीं तो मेरे तो बाद किसी कहना जिदा कंशी राम आए बा डॉक्टर अंबेडकर आए है उन्होंने आपां यही चीज़ों तो जिहड़ा हैगा तो कहिंदे हैगे कढ़णी जात बात जिदा हैगा उन्हें सिगाश किया आपां भी सारिआं नूं जिहड़ा हैगा तो उन्होंने दस्से हुए जिदा हैगा सतगुरु महाराज भी यही सी उन्हें भी सिगाश किया तो इदा जिहड़े होर आए हैगे आपां सिगाश करिए कंशी टी भी यही हुक्का दिंदा तुसीं भी यही आपां सारिआं नूं कहिंदे हैगे आपां सिगाश करिए जिदा ठीक है मुश्किल आउणियां हैगियां पर कामयाबी मिलेगी सो आपां सारे इकट्ठे हो गए हमला मारीए तो बहुत बहुत धन्यवाद करा तुहाडा कंशी टी वी सारे भरावां जिहड़े भी सेवा कर रहे हन आ तो इधर पासे लगे हो चैनल नूं जय गुरदेव धन गुरदेव थैंक यू जी बहुत बहुत थोड़ा धन्यवाद चरणजीत सिमक जी कमेंट्री तुम सके हमेशा अपन चंद लाइना के मुताफिक मुताफिक होंगे असं इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सो जो असी कोई भी असी रेस भी शुरू करते हैं तो एक लाइन होंगी सारे वास्ते एक बराबर लाइन होंगी है लेकिन इतने बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि यह जिन्ना चुके बराबर नहीं होंगे फिर एक लाइन होगी और उस तो बाद असी अपनी जी दौड़ आ पूरी बराबर शुरू करेंगे और उस कामयाबी होए और सवाल ये होंगे कि जो साढ़े जो समाज के लोग जो अनफॉर्चुनेटली बैड कंपनी में पै जाते हैं या हैलो जय गुरुदेव जी हैलो हैलो जय गुरुदेव कौन जी अच्छा जी साउथ हल तो सिद्धू साहब
ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਮਿੱਡਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ IAS ਆਫਿਸਰ ਬਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਦੀ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਬੈਡ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਆਪ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਅਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ।